अंशिका, वेलकम टू चैनल। एंड गाइज, आई नो आप लोग पक्का सोच रहे होंगे कि इसका तो सिंगिंग का चैनल था, फिर व्लॉगिंग कैसे। तो मैंने सोचा कि ना कुछ नया किया जाए और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ट्रैवल व्लॉग। और मैं जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर जगह पे जिसका नाम है मनाली, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस। मैं पहले आई थिंक एक या दो बार ही जा चुकी हूँ, एग्जैक्टली याद नहीं, छोटे होते गई थी। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर माई ट्रिप। तो मिलती हूँ मैं आपको मनाली में। पहुंच चुकी हूँ। हम सुबह 7 o'clock चले थे एंड 5:30 हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया था। और यहाँ का टेम्परेचर, ओ माई गॉड, इट्स -2 degrees Celsius एंड इतनी ठंड है। आई सजेस्ट यू आप अपने बहुत सारे कपड़े लेके आओ यार, इतनी ठंड है, एक स्वेटर या जैकेट से कुछ नहीं बनने वाला। पहले मैं आपको अपने होटल का थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ बाहर का। वाओ, इट्स टू ब्यूटीफुल यार, कितना सुंदर है। अभी रात हो रही है तो इतना परफेक्टली आपको नहीं नज़र आएगा। एंड ये नीचे मेरे होटल में कुछ काम चल रहा था, आपको थोड़ा आवाज़ आएगी। यार मनाली में इतनी शॉर्टेज है ना रूम्स की, बड़ी मुश्किल से हमें ये वाला रूम मिला है, आई मीन ये होटल मिला है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले से ही अपनी बुकिंग करवा के आइए। हम भी वैसे करवा के आए थे। हम मॉल रोड जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है। आई एम वेरी मच एक्साइटेड यार। तो चलो मिलते हैं मॉल रोड पे। मनाली, तो अभी सुबह के 7:48 हो रहे हैं और हम अपने नेक्स्ट टूर की तरफ निकलने वाले हैं, जो कि है सोलांग वैली अटल टनल इफ ओपन्ड, क्योंकि कल बंद थी वो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कभी भी खुल सकते, कभी भी बंद हो सकती है। और यहाँ पे एक विशिष्ट टेम्पल है, हडिम्बा टेम्पल है, तो वो सब चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और रात को मैंने कहा था आपको कि मेरे जो होटल से व्यू बहुत अच्छा है, अभी रात को नहीं इतना दिख रहा था। आई विल शो यू नाउ। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एकदम प्योरिटी फ्रेशनेस सी लग रही है यहाँ पे। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ये देखो ऊपर स्नो भी दिख रही है। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ अब सोलांग वैली। सो गाइस हम फाइनली सोलांग वैली पहुँच चुके हैं। हम अपनी एक लोकल गाड़ी करके आए थे क्योंकि बाहर की कार्स को थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे और थोड़ा आइस पड़ी है ना, तो स्लिप हो रही है। अभी एक आधा किलोमीटर ना चढ़ने का ही है सोलांग वैली, कार्स बहुत ट्रैफिक है, तो अभी हम बस चढ़ रहे हैं। ये है चढ़ने का व्यू, कितना मड है और आइस भी एकदम, सांस फूल रही है बिकॉज़ ये थोड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा गंदा रोड है पर क्या करें, चलना पड़ेगा। फाइनली हम अटल टनल पहुँच चुके हैं, बहुत ही मेंटेन टनल है एंड इट इज़ वेरी प्रिटी। कांट बिलीव गाइज, हम अटल टनल क्रॉस करके आगे की तरफ आ रहे हैं एंड इट्स लाइक हेवन ओवर हेयर, पूरा धरती का स्वर्ग लग रहा है, इट्स सो ब्यूटिफुल, कांट बिलीव। माइनस में ही है टेम्परेचर,
पहले मैं आपको व्यू दिखाऊँ जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, ये मिनी स्विट्जरलैंड है, मिनी भी क्या स्विट्जरलैंड ही है। इतनी बर्फ है ना इधर और टेम्परेचर सहन ही नहीं हो रही ठंड। मतलब यहाँ पे ना लोग बता रहे थे कि पीछे एक लड़का आया उससे सहन नहीं, उसको फिर वाइन पिलानी पड़ी। यार यहाँ पे एक आंटी थी उससे भी वाइन ही पिलानी पड़ी, इतनी ठंड है। पर व्यू तो माशाल्लाह है, मतलब नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस व्यू। हम बस मैगी खाई हमने और ऐसे फोटोज खिंचवा रहे हैं। यहाँ पे क्वाड बाइक्स भी है, मैंने भी एक क्वाड बाइक की है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे क्वाड बाइक्स भी कर रहे हैं। यहाँ पे तो आना अलाउड ही नहीं था, ये तो हमारा मतलब किस्मत थी कि हम यहाँ पहुँच गए। अटल टनल बिल्कुल बंद थी और अब मैंने आपको बता ही दिया हमारा क्या प्लान था। मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, पर ठंड सहन नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ठंड सहन नहीं हो रही है। चलो ऐसा मेरा भाई आ रहा है, वो जिप लाइन करने वाला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे कैसे ये कर रहा है। ये पहले ही है यहाँ पे कस्टमर जो जिप लाइन करने वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ वहाँ तक है। फ्रीजिंग ठंड है यहाँ पे, ऐसे लगता पैर है इतने बिल्कुल जम चुके हैं, जैसे कहते हैं फ्रोजन फ्रीज्ड। अभी ये रेडी हो रहे, पता नहीं कुछ बनाते हैं ना, फिर उसको भेजेंगे। बहुत कम टूरिस्ट अभी इस वक्त पहुंच पा रहा है क्योंकि आधे लोगों को तो पता ही नहीं है बेचारों को। हमारी किस्मत काम करके जो हम आ गए हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मिस कर रहे हैं ये सब। अभी ये जाने वाला है, अभी रील्स भी बनानी है, फोटो भी खिंचवानी है, बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी करने के लिए। और ये रेडी है जाने के लिए। आर यू ऑल द बेस्ट। इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसने पहले कभी नहीं किया है ना, आई एम तो वेरी स्केर्ड, बट शायद मैं भी करूं। लेट्स सी, पहले इसको देख लेते हैं। हाय गाइस, आप पहाड़ देख रहे हो, पूरा वाइट 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 और ठंड तो नो वर्ड्स ही है यहाँ पे। एंड ये जाने लगा है। चल चल, कुछ नहीं होता, कम ऑन। ये और ये जा रहा है मेरा प्यारा भाई, माय ब्रदर। आई थिंक ही इज समवॉट स्कैर्ड। जा रहा है। तो अब हम अटल टनल का सफर पूरा करके अब हम आए हैं सोलांग वैली। आ देती हूँ सोलांग वैली का व्यू। हियर इट इज। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे खाने पीने का ही स्पॉट है ज़्यादा, और यहाँ पे लोग पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं। अभी दो लोग तो मेरे सामने ही लैंड हुए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। वो देखो सामने व्यू से नीचे को उतार, बहुत मज़ेदार है। शायद मैं वो करने जाऊँ, वो उधर दूध आपको मैं दिखाऊँगी आगे जाके। अभी पहले हम कुछ खा पी लेते हैं, बस मैगी खाई थी उधर, अभी वील ईट समथिंग। इतनी ज़्यादा दुनिया है ना, सीरियसली ज़्यादा लोग हैं, सब अलग अलग एक्टिविटीज़ खा पी रहे, मतलब काफ़ी मज़ेदार है यार। पहाड़ तो ऑलवेज आ वेरी एक्साइटिंग एंड मज़ेदार। बस मेरा वही है अगला, कि मैं वो वाला व्हील वाला करूँगी जिससे वो नीचे नहीं आ रहे ऐसे। आई विल डू दैट नेक्स्ट। ये देखो यार, पैराग्लाइडिंग हो रही है इधर, मतलब एक राउंड ही लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये, और साथ में ही लैंड करवा देते हैं। यार ये आ चुके हैं हमारे खाने के लिए राजमा चावल एंड कढ़ी चावल, हमें अभी बाकी है। लो। और ये बर्गर भी आ गया पीछे, यार बहुत ज्यादा रश है इधर, पर तब भी डिलीवरी काफी फास्ट है। नाउ वी हैव रीच्ड टू वशिष्ठ टेम्पल,
बस उसी के आ रहे हैं ऑन द वे, और यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग शुरू हो गई है। एनीवेज हम तो चलते हैं। इधर भी काफी क्राउड है। यहाँ पर डॉग इतने तगड़े तगड़े ना, ये देखो बड़े तगड़े तगड़े डॉग ही हैं इधर तो, वेरी मोटे मोटे से। हाँ तो फर्स्ट टाइम ही है यहाँ पे। ये आ गया टेम्पल, विशिष्ट मंदिर, विशिष्ट टेम्पल। तो गाइस यहाँ पे शूज रिमूव करने के लिए है। यहाँ तू, मैं तेरे को बता रहा हूँ, इधर लेके आ। ये पीछे मंदिर था, अब आगे कुंड है। गाइस यहाँ का एक मान्यता है कि अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है और यहाँ पे आके अपने उस वाले पार्ट पे हाथ धोते हो या फिर जो भी आपका यहीं पे भी स्किन प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपकी वो स्किन प्रॉब्लम सारी ठीक हो जाएगी। और ये देखो यार, गोलगप्पे के लिए भीड़ लगी हुई है। अगेन गोलगप्पा इन द जर्नी, काफी रश है गोलगप्पे के लिए। और भी काफी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, सो यू कैन ट्राई इट। चलो यार हम भी खा ही लेते हैं। तो गाइस फाइनली हम अपनी जर्नी करके वापस आ चुके हैं अपने होटल के रूम में, एंड आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड लो। थोड़ी रेस्ट करके कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। फाइनली हम हनीमून एप्पल पहुंच चुके हैं एंड ऑन द वे टू द मंदिर। बड़े बड़े ट्रीज, ब्यूटीफुल नज़ारा, नेचुरल ब्यूटी यार, कितना ब्यूटीफुल, नेचुरल ब्यूटी। और पर यहाँ पे कम ठंड है, यहाँ पे रैबिट्स भी हैं। ओए, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ देम। बॉर्डर